5 बजे की ट्रेन थी हम लोग की हरिद्वार की, अभी 9:30 बज रहे हैं, हम लोग हरिद्वार पहुंचे, ठीक ठाक पहुंच गए, बड़ी आराम से पहुंच गए। साढ़े चार घंटा ट्रेन लेट है, अभी हम लोग हरिद्वार से आगे की जर्नी देखते हैं, कोशिश करेंगे अगर गाड़ी मिला तो वहाँ की करनी करेंगे। ये अभी हरिद्वार में है हम, हरिद्वार स्टेशन है और ये हमारा ट्रेन अभी लगा है, तो ये रहा हरिद्वार स्टेशन, देख सकते हैं हरिद्वार स्टेशन में खड़ा है हम लोग। अभी हम लोग यहाँ से हमारा बैकपैक सब ले लिया है सबने, अभी हम आगे की जर्नी तय करेंगे, देखते हैं आज जोशीमठ पहुँच सकते हैं कि नहीं, और नहीं पहुँच सकते तो आज हरिद्वार में रुक जाएंगे, अगर पहुँच सके तो ज़रूर पहुँचेंगे, अगर नहीं पहुँच सके, गाड़ी नहीं मिला तो यहीं पर रुकेंगे, कल सुबह उठ के जर्नी बाकी की जर्नी तय करेंगे। ओके दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए। से निकल चुके हैं और वहाँ पे तो ऑटो वाला 500 रुपये मांग रहा था ऋषिकेश जाने के लिए, मगर बाहर से 40 रुपये करके हम लोग को शेयर ऑटो मिल गया है, तो अभी हम लोग ऋषिकेश बस टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं और वहाँ से बस पकड़ेंगे, 11 बजे की बस है जोशीमठ के लिए, लेके हम जोशीमठ निकल जाएंगे। तो जो कि हम लोग का एक दिन यहाँ पर रहने का प्लान था, तो वो हम अगर वैली ऑफ फ्लावर्स में दो दिन रहेंगे तो हमको बढ़िया लगेगा वहाँ पर, इसलिए हम लोग आज जल्दी जल्दी यहाँ से निकल जा रहे हैं, जोशीमठ में रह के एक दिन वैली ऑफ फ्लावर्स में निकलेंगे। सब ऑटो में चढ़ गया है, वाहन भी ऑटो में आ गया है, गुरु भी आ गया है, और ये देखिए सुंदर नज़ारा गंगा मैया का, व्यू भी सुंदर है, हरिद्वार का पूरा गंगा पूरा पानी पानी हो गया है, जैसे क्या बारिश का मौसम है तो पानी पानी होना थोड़ा जाहिर है, तो अभी पानी पानी हो गया है, और ऊपर मनसा देवी मंदिर पहाड़, तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, हम आगे की जानकारी आपको देते रहेंगे। मज़ा ले रहे हैं, वेदर यहाँ पे बहुत अच्छा है, पूरा फुल वेदर चालू हो गया है यहाँ पर, टेम्परेचर भी बहुत घट गया है, गर्मी जो था यूपी में वो यहाँ पे नहीं है, मान लीजिए कि 4-5 डिग्री टेम्परेचर घट गया है, और थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बारिश भी हो रहा है, तो मज़ा वेदर बहुत मज़ेदार है और हम इसका पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। देखिए आपका सावन का महीना है तो बाबा धाम में सब पानी डालने के लिए आ गए, यहाँ पर सब शिव जी के मंदिर में पानी डालेंगे, तो चलिए हम लोग हमारे यात्रा की तरफ बढ़ते हैं, ये लोग को शिव जी की तरफ जाने दीजिए, हम लोग हमारे वैली ऑफ फ्लावर्स की जो यात्रा है वो करते हैं, ऊपर की तरफ आगे बढ़ते हैं। हरकिपौरी घाट के सामने यहाँ पे 2 लॉकेट खुला हुआ है कि पानी कितना ज़ोर से बह रहा है गंगा के ऊपर अब देख सकते हैं, और सामने हरकिपौरी का घाट है जहाँ पे गंगा आरती होता है आपको शाम को, तो आज तो हम यहाँ पे नहीं रुक रहे हैं, हम लोग 7 तारीख को यहाँ पे वापस आएंगे, तो उस दिन अगर हो सके तो हम लोग कोशिश करेंगे आपको गंगा आरती दिखाने का। अभी देखिए यहाँ पे पानी की तरफ पूरा उफान मचा हुआ है, तूफान की तरफ निकल रहा है पानी, 4 गेट खुला हुआ है लॉक गेट गंगा का, जो पानी इधर डाइवर्शन होता है मेन गंगा पे वो हरिद्वार से, और आगे हम थोड़ी देर में यहाँ पे सामने देख सकेंगे शिव जी का लंबा चौड़ा आपका मूर्ति दिखाई देगा आपको, तो हम लोग धीरे धीरे ऋषिकेश की तरफ बढ़ रहे हैं, बस टर्मिनल की तरफ, वहाँ से हम लोग बस पकड़ के आगे की जरा यात्रा तय करेंगे। तो ये वो शिव जी का स्टैचू है जो हम आपको बता रहे थे कि आगे देखने को मिलेगा, देखिए करीब करीब आपका 50 से 60 फुट ऊंचा शिव जी का स्टैचू है, और सामने पूरा गंगा नदी है और पूरा गंगा घाट आपको बाएं ओर दिखाई देगा, और ये सामने जयराम आश्रम है हरिद्वार का, यहाँ पे आप आके रुक सकते हैं, यहाँ पे गंगा धाम, यहाँ पे बहुत सारा होटल लॉज मिलेगा आपको इस हाईवे के ऊपर, और हरिद्वार में उधर तो मिलेगा ही मिलेगा आश्रम वाश्रम,
तो आप कहीं भी रुक सकते हैं यहाँ पे, बजट आपका 200 से लेके 500 तक आपका बजट रूम मिल जाएगा। और अगर आप लग्जरी में जाना चाहते हैं तो लग्जरी भी मिलेगा आपको। रस्ते के घर में बहुत सारा थावा भी है, बहुत निवास भी है, सब मिल सकता है यहाँ पर अवेलेबल, कोई बात नहीं, आप आ सकते हैं आराम से हरिद्वार। ये और एक सुंदर सा साउथ की स्टाइल में बना हुआ मंदिर है यहाँ पर, बालाजी का देख सकते हैं। यात्रा कर रहे हैं हाईवे से, और हाईवे के साथ दोनों तरफ बड़ा बड़ा होटल रेस्टोरेंट आपको सब दिख रहा है। अब जो भी हो आप यहाँ पे आके कंफर्टेबली रह सकते हैं, हम बार बार बता रहे हैं कंफर्टेबली यहाँ पे आप रह सकते हैं। एक नया मंदिर बन रहा है यहाँ पर, सब कुछ दिखाई दे रहा है ऊपर, देखिए नया नया बन रहा है। राजा जी टाइगर रिजर्व है, और ये पूरा राजा जी टाइगर रिजर्व का जंगल है बाई ओर, हम जंगल के बीच से अभी निकल रहे हैं। यहाँ पे हाथी चैनल का, हाथी का कॉरिडोर बना हुआ था आगे, इसलिए थोड़ा स्लो मूवमेंट था, वहाँ से हाथी या हिरन विरन वगैरह क्रॉस करते हैं जंगल के इस तरफ उस तरफ। और अभी देखिए फिर से ट्रैफिक मूवमेंट ठीक हो गया है, हम लोग बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं जंगल की वजह से। अगर आप कभी भी हरिद्वार आए तो राजा जी टाइगर रिजर्व ज़रूर आए, क्योंकि यहाँ पर देखने लायक बहुत कुछ है, चीता है, एलिफेंट है, आपको डियर मिलेगा, और बहुत कुछ मिल सकता है, पक्षी पशु पक्षी बहुत कुछ मिलेगा। तो कभी भी अगर हरिद्वार आए तो ज़रूर आइएगा राजा जी टाइगर रिजर्व में। पूरा साल का जंगल है यहाँ पे भाई, और पूरा जहाँ भी जहाँ तक आँख जा रहा है घना जंगल है साल का, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए हमको वेदर भी कंफर्टेबल हो गया है और खुशनुमा वेदर है, और यहाँ पर नज़ारा भी बहुत बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है। ऋषिकेश में बहुत ही तगड़ा जैम लगा हुआ है, हम लोग जैम के अंदर से जाने की कोशिश कर रहे हैं। दिखने में मुझे थोड़ा ख़राब लग रहा है क्योंकि हम अभी पिछले 40 घंटे से ट्रैवल कर रहे हैं और अभी भी कंटिन्यूस ट्रैवल ही कर रहे हैं, तो रुकेंगे नहीं, हम जाके जोशीमठ में ही रुकेंगे, यही बात है। तो यहाँ पे एक लोकल भैया है, उनसे बात हुआ है, वो बोला कि 11 बजे के बस, 11 तो ऑलरेडी बज चुका है, 11 बजे से हमको बस था ऋषिकेश से, वो बोले कि 11 बजे के बाद भी बस मिलेगा जोशीमठ के लिए। तो हम लोग कोशिश करेंगे ऋषिकेश बस टर्मिनल जाके कि वहाँ से थोड़ा आगे की बस हमको अगर मिल जाए, यहाँ से 5-6 घंटा लगता है बोल रहा है जोशीमठ, तो हम कोशिश करेंगे कि आज ही जोशीमठ चला जाए। तो भोलू भी थका आ रहा लग रहा है, हम सब भी थका आ रहे हैं कि भूखा भी हो, सुबह से खाया भी नहीं, हम लोग जस्ट उतर के ही बस टर्मिनल की तरफ जाने का कोशिश कर रहे हैं, तो भूखा भी है और 32 घंटा से जर्नी कर रहे हैं तो थके भी हैं। तो जाके जोशीमठ पे रेस्ट करेंगे, ये वाला प्लान था, मगर देखते हैं बस यहाँ से कब तक मिलती है। अभी जैम के कारण थोड़ा हम लोग टुक-टुक में जा रहे हैं, तो टुक-टुक बहुत लेट कर रहा है, करीबन आधा घंटा हो चुका है हम लोग को हरिद्वार से टुक-टुक पकड़े, तो हम पहुँच चुके हैं करीब करीब, अभी भी 4-5 मिनट लगेंगे यहाँ से आगे बस टर्मिनल तक। तो वहाँ जाके हम लोग इंक्वायरी करके देखेंगे गढ़वाल रीजन का कोई बस हमको अभी मिलता है कि नहीं जोशीमठ के लिए, तो देखते हैं चलिए आगे क्या होता है। रास्ता पे मलबा गिरने के कारण रास्ता बंद हो गया है, तो हम जोशीमठ तक डायरेक्ट नहीं जा सकते, बस हमको मिल गई है ऋषिकेश बस टर्मिनल से, ये वाली बस पे हम अभी रुद्रप्रयाग तक जाएंगे, तो उसके बाद कल सुबह फिर वहाँ से आगे की सवारी करेंगे, तो हम लोगों का आधा दिन बच जाएगा। तो कहाँ गया इस बस से हम लोग सफ़र करेंगे, अभी हम लोग थोड़ा खाना खा लेते हैं, उसके बाद इसी बस से हम रुद्रप्रयाग तक सफ़र करेंगे। तो एक और ग्रुप मिला है उसके साथ भी एक सब चला जाएंगे शायद। खाना हो गया, इस भोजनालय में हम लोगों ने भोजन किया, और हाँ ये जो लिखा हुआ है क्या राया भोजनालय, यहाँ पे भोजन किया, 60 रुपये करके आपको दाल चावल रोटी और सब्जी मिल रहा है, आप यहाँ से खा सकते हैं, खा के ये बस टर्मिनल है, यहाँ से आप बस ले सकते हैं, और भी बहुत सारा भोजनालय है बस टर्मिनल के अंदर, तो लेके हम लोग आगे की तरफ आज रवाना हो जाएंगे। और अभी हम बस पे चढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बारिश हो रहा है, मौसम बहुत खुशनुमा है, ऊपर देख सकते हैं बहुत अच्छा वेदर दिख रहा है जोशीमठ के लिए हम लोग के लिए, या आगे वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए, तो हम लोग आगे की जर्नी तय करेंगे आज ही ना हो सके। सब बस पे आ गए हैं, और हमने यहाँ से टिकट लिया आपका 810 रुपये का, मतलब 270 रुपये का ईच
रुद्रप्रयाग तक, जहाँ पे आपके 130 140 रुपये होता है, वहाँ पे ज़्यादा देना पड़ा है क्योंकि घूम के जाना पड़ेगा। तो हम आगे की रास्ता की जर्नी तय करेंगे रुद्रप्रयाग तक और आगे भी चलते रहेंगे। सुबह 9:30 बजे हम हरिद्वार में ट्रेन से उतरे, उसके बाद वहाँ से होके ऋषिकेश बस टर्मिनल तक पहुँचे। करीबन 11:10 बज हो गया था, उसके बाद वहाँ से खाना पीना खाया। हरिद्वार से ऋषिकेश बस टर्मिनल आपका करीब 30 किलोमीटर होता है, हाईवे से आना पड़ता है, तो हाईवे से हम आ गए। उसके बाद हम यहाँ से अभी बताओ उसके बाद हम लोग यहाँ से बस पकड़े हैं और बस पकड़ के गढ़वाल रीजन का जो टर्मिनल है उस टर्मिनल से बस पकड़े। अभी करीब 1 बज रहा है, बस हमारा यहाँ से ऋषिकेश शहर से निकल रहा है, तो करीब इन लोगों के मानने से तो 6 से 6:30 घंटा लगेगा आपका रुद्रप्रयाग पहुँचते, मतलब 7 बज जाएगा कम से कम रुद्रप्रयाग पहुँचते। तो हम लोग ने खाना पीना सब खा लिया, अभी सब ठीक है। जो परेशानी हो रही थी खाने की वजह से वो तो मिट गई है। हाँ, थोड़ा परेशानी है कि 3 दिन से नहा धोया नहीं है, तो नहाना धोने का उस देख रहे चेहरा देख के समझ में आ रहा है आपको कि कैसा हो गया 3 दिन। तो चलता है ट्रैकिंग में, ऐसा चलता है कि हम लोग तो क्या बोलते हैं उसको, आपका कि बजट ट्रैवल करते हैं, आपका फर्स्ट क्लास ट्रैवल नहीं करते, फर्स्ट क्लास ट्रैवल करते तो ये सब सुविधा हमारे पास अवेलेबल है, तो हम लोग बजट ट्रैवल करते हैं, तो इसीलिए बजट ट्रैवल में थोड़ा ऐसा करना पड़ता है, कोऑपरेशन करके हम लोग आगे बढ़ते। तो सर हमारे सर कैसा लग रहा है अभी तक आपको बताइए? अभी तक अच्छा लग रहा है। अभी तक तो अच्छा ही लग रहा है, आगे भी अच्छा लगेगा। आगे तो अच्छा लगना वाजिब है क्योंकि अभी बारिश हो नहीं रहा है, तो उधर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू देखने को मिलेगा हम लोग को। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। चलिए बारिश के लिए जितना लगेज ले आया वो लगेज नहीं काम, वो काम में आएगा नहीं बारिश का लगेज, शायद रेनकोट वेनकोट वगैरह जो लाया था वो शायद नहीं लगेगा। तो चलिए देखते हैं, सब किस्मत के ऊपर है, हो सकता है बारिश, हो सकता है उसका काम भी आ सकता है, ले जाएंगे सब कुछ। हाँ चलिए चलते हैं। चढ़ाई यहाँ से शुरू हो गई है, हम लोग ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं चढ़ाई ऊपर से, यहाँ से देख सकते हैं कि चढ़ाई शुरू हो गई है, हम लोग ऊपर की तरफ चढ़ाई कर रहे हैं कंटिन्यूसली। तो इतना मौसम की वजह से कैमरा भी थोड़ा धुंधला पड़ रहा है, वो भी फोकस नहीं कर पा रहा है कौन सी जगह वो फोकस करे। तो जैसा कि हम बता रहे थे वेदर खूब बहुत अच्छा है, पूरा खुशनुमार हो गया, देखिए चारों ओर धुंध दिखाई दे रहा है आपको, और एकदम पहाड़ का जैसा वेदर होता है वैसा हो गया है पूरा। अभी 1:15 हुआ है, तो एकदम वेदर पूरा चेंज हो गया आपका, करीब करीब टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री नीचे चला गया, और थोड़ा थोड़ा ठंड ठंडी हवा भी चल रही है, देखिए नीचे खाई भी दिखाई दे रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास। बुलू तो ठंडी हवा से सो ही गया है बेचारा। तो क्या हुआ, अभी हम ज़्यादा दूर नहीं, अभी 5-7 किलोमीटर आए हैं, और पूरा क्लाइमेट चेंज हो गया है, देखिए पूरा धुंध जा रहा है ऊपर से, तो क्लाउड बोलते हैं वो, क्लाउड पूरा एकदम चारों ओर आ गया है, और बहुत बहुत ही खुश एकदम बढ़िया लग रहा है। चलिए ये थोड़ा एक शहर आया है धनबाद बोल के एक शहर आया है, यहाँ से फिर ऊपर की तरफ हम लोग जाएंगे, और यहाँ से हम आज रुद्रप्रयाग के लिए रवाना हुए हैं। पहले तो जो एक बस मिला था वो श्रीनगर जाएगा बोला तो सिर्फ, मगर दूसरा एक और बस मिला वो लोग रुद्रप्रयाग जाएंगे बोला, तो बोला ठीक है चलो रुद्रप्रयाग तक जाएंगे, तो रुद्रप्रयाग का भी दर्शन हो जाएगा, रुद्रप्रयाग का दिखता है हम लोग भी देख लेंगे। तो चलिए सफ़र का मज़ा उठाते हैं, लुत्फ उठाते हैं। ये थोड़ा वो सिटी है, सिटी के अंदर से जा रहे हैं हम धनबाद से, नक्शे कैसे पूरा क्लाइमेट चेंज हो गया, पूरा सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पूरा धुंध धुंध हो गया, अचानक से पूरा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पूरा चेंज हो गया। देख सकते हैं आप, बहुत ही बढ़िया मौसम है, आपको क्या बताएं, उनको तो खुद के आंखों पर भी भरोसा नहीं हो रहा है कि सामने रास्ता कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अचानक से सब कुछ बदल गया है।
अचानक सब कुछ बदल गया है। चलिए चलते हैं इस रोमांचक सफर की ओर, हमारे कदम बढ़ाते रहते हैं। देखिए बाहर कितना शानदार नज़ारा दिख रहा है बाहर, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है बाहर। थोड़ा अभी पहाड़ आ गया, गाछ पेड़ पौधे आ गया, तो इसलिए मैं थोड़ा तकलीफ़ हो रहा है, तो थोड़ा क्लियर आने दीजिए। बहुत सुंदर नज़ारा आपको सामने दिखाई देगा, अभी देखिए कितना सुंदर नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है आगे, बहुत ही सुंदर नज़ारा। तो ऋषिकेश से चले हमको घंटा भर हो चुका है, हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। आप देख रहे हैं अभी यहाँ पर देखिए पेड़ों का शेप भी बदल चुका है, यहाँ पर सब पेड़ ऐसे ही लंबा लंबा और जैसा होता है बर्फ़ पड़ने के टाइम में वैसा हो गया है। देखिए पेड़ भी कम हो गए हैं, यहाँ पर सब पाइन और पार्क का पेड़ दिख रहा है, और काफ़ी ऊपर आ गए हम हिल के। और एक घंटा 15 मिनट 20 मिनट हो चुका है हम ऋषिकेश छोड़े। देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा नज़ारा दिख रहा है सामने, मन आपको कैसा लग रहा है नज़ारा सामने वाला? नींद आ रहा है आपको? नींद तो आएगा क्योंकि देखिए हम जैसे क्लाइमेट से आए हैं उत्तर प्रदेश से, उसके बाद यहाँ पे इतना मनोरम क्लाइमेट, तो नींद हमको भी मुझको भी पूरा एसी नहीं, ये पूरा कूल हो गया। तो बहुत ही अच्छा नज़ारा ऊपर दिख रहा है, देखिए कैसा ब्यूटीफुल, पूरा ग्रीनिश वैली हो गया देखिए ऊपर की तरफ। हाँ हाँ देखिए कितना सुंदर लग रहा है। हाँ हमारे दोस्तों को तो हम बोल रहे हैं कि यार अब जो यार यहाँ आ जाइए यहाँ पर। देखिए पहाड़ में आने के लिए तीन तो सीज़न सबसे बढ़िया है, एक आप जो ठंडे के मौसम में आइए, बरसात के मौसम में आइए, और जो पहाड़ का ओरिजिनल सीज़न है उस सीज़न में आइए। गर्मी में भी आ सकते हैं, गर्मी में तो पहाड़ खुला रहता है, मतलब मार्च अप्रैल में आइए इस टाइम में, बरसात के टाइम में आए जून जुलाई में, और आपका आखिर में दिसंबर नवंबर दिसंबर में पहाड़ एकदम अलग अलग दिखेगा आपको तीन टाइम में। अभी देखिए कितना ग्रीनिश है पूरा पहाड़, पूरा वैली पूरा ग्रीन हो गया। चलिए आप भी देखते रहे, आप भी नज़ारे के मज़ा उठाइए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल मॉडल स्पीकर्स क्लब। हम नीचे उतरते करीब नदी के पास पहुंच चुके हैं, जो अलकनंदा, शायद ये अलकनंदा ही है, पानी के कलर से पता चल रहा है, करीब यहाँ पहुँच चुके हैं। और थोड़ा देर में ही हम अभी एकदम नदी के लेवल में आ जाएंगे, अभी थोड़ा मिनट 5-7 मिनट जाने के बाद नदी के लेवल में आ जाएंगे, और तब जाके उसी रास्ते से धीरे धीरे हम पहुँचेंगे। देखिए कितना अच्छा नदी का व्यू आएगा आपको, अभी देखिए बहुत अच्छा नदी का व्यू आ रहा है यहाँ से, सुंदर सब दो नदी एक जगह मिली है, और आ रहा है धीरे धीरे नीचे की तरफ। देखते हैं कब तक पहुँचते हैं रुद्रप्रयाग, अभी तो आपका करीब करीब 3 बज रहा है, 2 घंटा हो चुका है, 1 बजे हम बस में चढ़े थे, तो 5-5:30 के आसपास पहुँचेंगे शायद। क्रिस्टल क्लियर पानी है, देखते हैं पूरा नीले रंग का पानी।
के 7 बजे है और हम लोग जब ऋषिकेश से बस पकड़े थे तो 1 बजे बस पकड़े थे और अभी 6 घंटे के बाद हम लोग रुद्रप्रयाग पहुँचे फाइनली। तो रुद्रप्रयाग में थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, ये रुद्रप्रयाग का मेन मार्केट है, यहाँ से हमको कल बस मिलेगी। तो नीचे हम एक कॉटेज में रुके हैं, चलिए आपको दिखाते हैं कौन से वाले कॉटेज में। ये मेन मार्केट से नीचे की तरफ यहाँ से थोड़ा जाने के बाद ये सामने ही हमारा कॉटेज है। ये वाले कॉटेज में हम रुके हैं, कृष्णा टूरिस्ट लॉज। यहाँ पे हमको हमारे बजट से कम में ही रूम मिल गया। हम लोग तो 200 रुपया डॉर्मेटरी पकड़ के चल रहे थे, यहाँ पर हमको 300 रुपया में 4 बेडेड रूम मिल गया विद अटैच बाथरूम। तो हम लोग यही ले लिए क्योंकि 150 रुपया पर है, 200 रुपया पर हेड, मतलब 150 करके होता तो 450 होता, 200 करके होता तो 600 होता, तो उसके अंदर मुझे हम लोग को 300 में मिल गया। तो हम ये रूम ले लिए, रूम खासी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें ही हम लोग आज का रात काटेंगे, फिर वो मार्केट मेन मार्केट से जो आपको मेन मार्केट दिखा हुआ, मेन मार्केट से हम बस पकड़ेंगे कल सुबह 5:30 या 6 बजे और आगे की जोशीमठ तक की सफ़र हम उसमें तय करेंगे। यहाँ से करीब करीब आपका 4 घंटा लगता है ये लोग के हिसाब से, तो हम 6 घंटा पकड़ के चलते हैं, 6 घंटे में हम जोशीमठ पहुँचेंगे। तो बने रहिए, अभी भी हमारा ये दिन ख़त्म नहीं हुआ है, दिन का ब्लॉग ख़त्म नहीं हुआ है, अभी रात का खाना बाकी है, रात का मार्केट का घूमना बाकी, ये सब करके हम लोग आज का ब्लॉग ख़त्म करेंगे। तो देखते रहिए हमारे साथ। हम तो 8:30 बज रहे हैं, हम लोग अभी रुद्रप्रयाग में है, खाना खाने बैठे हैं। तो अभी ये हमने दाल फ्राई ऑर्डर दिया, ये आलू पनीर और ये आपका मच्छी ऑर्डर दिया, मच्छी करी और साथ में तंदूरी रोटी। तो बोलिए आपका क्या एक्सपीरियंस, कैसा रहा, क्या करेंगे, क्या करेगा। इधर को मच्छी बहुत मिला, अच्छा मिलता है, हम खाया है, अभी भी खाएगा, उसने मच्छी ऑर्डर किया। हाँ, हरिद्वार में खाएगा तो हमको भगा देंगे, लेकिन इधर का कोई कुछ नहीं खाएंगे, हाँ इसलिए खा रहे हैं। बोलो सर, क्या बोल रहे हैं। ये जो एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा है और मेरी तरह यंग स्टाफ को मैं बोलूँगा जे ऐसे ही आप ट्रेकिंग पे आए और ऐसे ऐसे साइड में घूमे और ऐसे होटल में खाना खा के एक्सपीरियंस बढ़ा ही है। इस बारिश में बहुत भी मज़ा आ रहा है। हाँ, गढ़वाल पैलेस में है अभी हम, चलो हैप्पी जर्नी। ठीक है, तो जैसा कि हो रहा है अभी हम लोग खाना खाने बैठे हैं, तो खाना खा लेते हैं, खा के आज हम बहुत ही थके हारे आए हैं, खाना खा के आज का दिन हम सो जाएंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि कल 5 बजे हमको यहाँ से मेन चौक, जो आपको थोड़ी देर पहले हमने दिखाया, तो मेन चौक से बस पकड़ना है। तो चलिए खाना खा लेते हैं, तो उसके बाद ये लोग तो ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, देखिए आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी ये लोग शुरू हो गए हैं और मैं शुरू करने जा रहा हूँ, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। खाना हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, देखिए पूरा सब साफ़ हो गया, अभी दही खाना बाकी है, सब साफ़ कर दिया, सिर्फ दाल फ्राई बंद रह गया, अलग रह गया है दाल फ्राई। देखिए मच्छी वच्छी सब खा लिया, पूरा मन तो अभी भी लगा हुआ है मच्छी खाने में, छोड़ ही नहीं रहा है, उसको मच्छी बहुत पसंद आया। वो इसने तो साफ कर दिया मच्छी, जिसके पास कुछ है नहीं, सिर्फ मच्छी का करी के वो तो साफ कर दिया तुमने, उसको तो तुमने साफ कर दिया, ये वाला कुछ है इसमें, कुछ तो है नहीं, वो तो तुमने साफ कर दिया पूरा। बंगाली का इलिश मच्छ फेल हो गया। ठीक है, चलो अभी दही के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, दही खाते फिर घर के लिए रूम के निकलते हैं। आपको हमारा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारे ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि हमें और आपको इतने बढ़िया बढ़िया वीडियो देने का मौका मिले। देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत एंड गुड नाइट।